तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को शहर के विभिन्न केंद्रों पर किए जा रहे कोरोना जांच में ड्यूटी पर लगाए गए राजस्व कर्मियों की बैठक तहसील सदर के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में तहसीलदार सदर ने बताया कि तहसील सदर की तरफ से शहर में 22 स्थानों पर कैंप लगाकर लोगों का मुफ्त कोरोना जाँच किया जा रहा है, जिससे कि बीमारी होने से पहले ही उसका पता लगाया जा सके और समय पर ही इलाज हो पाए, जिससे कि वो व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आकर संक्रमण फैलाए। तहसीलदार सदर ने बताया कि प्रतिदिन शहर में 3200 से 4000 लोगों का प्रतिदिन कोरोना जांच हो रहा है। जांच की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए तहसीलदार ने सभी लेखपालों को अमीनों को निर्देशित किया है कि जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। बैठक में नायब तहसीलदार सुनीता गुप्ता, राजस्व निरीक्षक प्रदुमन सिंह कानूनगो और वीर बहादुर सिंह, अमीन अम्बरीश तिवारी, योगेंद्र चौबे, वशिष्ठ सिंह, लेखपाल विमलेश दुबे, राम गुप्ता, बाबू राम, रजत वर्मा, ब्रजेश सिंह, तारकेश्वर बीरवल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, बैठक डेली जॉइंट मजिस्ट्रेट सर लेते हैं, आज सर कहीं बिजी हैं किसी मीटिंग में तो मैं ले रहा हूँ। ये डेली जो टेस्टिंग हमारी हो रही है शहर में 22 CHC और 5 मोबाइल यूनिट की, तो उनमें आपको पहले से भी ज्ञात है कि हम लोगों ने मैक्सिमम संख्या बढ़ाई जाए इसके लिए अपने अमीन और लेखपालों की ड्यूटी प्रत्येक PHC CHC पर लगा दिया है। तो उसी की डेली समीक्षा हम लोग करते हैं, जहाँ कम रह जाता है वहाँ कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में तो चर्चा करते हैं।